जस मानक इंटरनेशनल कोलोब्रेशन इन हिज न्यू एल्बम, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है कि जस मानक का न्यू एल्बम पे जो है इंटरनेशनल कोलोब्रेशन होने वाली है, बट कुछ ऐसी हिंट है जिसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल कोलोब्रेशन होगा फिर नहीं। तो चलो आपको बताता हूँ। जस मानक की अगर एल्बम का पोस्टर देखे तो जस मानक का जो एल्बम पोस्टर नेम है वो एक हॉलीवुड टाइप का नेम है। अगर पोस्टर भी देखे तो वो भी काफी अमेजिंग है हॉलीवुड टाइप की। सो ऐसे में हमको लगता है कि जस मानक का इस एल्बम पे हमको हॉलीवुड कोलैबोरेशन देखने को मिल जाए। सो ऐसी क्या न्यूज है, सो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जस मानक ने अपने एल्बम का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया तो उसमें डीजे शैडो का कमेंट आया जो कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करवाते हैं। उन्होंने रिसेंटली जो हनी सिंह का कोलैबोरेशन करवाया जिसकी आपको पता ही होगा। सो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि डीजे शैडो जस मानक का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अगर करवा दे तो इस एल्बम में तो बहुत ही मजा आ जाएगा। सो चलो मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ क्या कमेंट किया था डीजे शैडो ने। डीजे शैडो ने लिखा कैन नॉट वेट एंड वही फायर वाली इमोजीज यूज किया। तो अगर डीजे शैडो ने अगर जस मानक के ऑफिशियल एल्बम के ऊपर कमेंट किया है तो कुछ ना कुछ खास है डीजे शैडो एंड जस मानक के बीच। बाकी देखते हैं कि क्या हमको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलती है जस मानक इस एल्बम पे। बाकी हमको कहीं ना कहीं से लगता है कि जस मानक का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा इस एल्बम पे। अगर देखा जाए तो डीजे शैडो ने कमेंट किया तो ऐसे में मान सकते हैं कि जस मानक के एल्बम पे हमको कुछ ना कुछ बड़ा देखने को जरूर मिलेगा। एंड इस एल्बम के जो पोस्टर है नेम है वो सेम टू सेम हॉलीवुड टच के टाइप से ही रखा है। एंड अगर आप एल्बम पोस्टर भी देखें तो काफ़ी अमेजिंग है हॉलीवुड टाइप के। एंड जो नेम है वो तो लव थंडर नेम रखा है जो कि हॉलीवुड वाली नेम लग रही है। एंड जस मानक की टीम ने भी यहाँ बोला था कि जस मानक का एल्बम आएगा तो उसमें एक बड़ी सरप्राइज है जो कि सबन बहुत ही अमेजिंग लगेगी। तो मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो सकता। सुखदीप बॉक्सर ने भी जस मानक के एल्बम के ऊपर कमेंट किया, लिखा ब्रांग इट वन। सो ऐसे में हम मान सकते हैं कि जस मानक का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। डीजे शैडो ने भी कमेंट किया है एंड बॉक्सर ने भी कमेंट किया है। सो ऐसे में कई सारे हिंट लग रहे हैं कि जस मानक का कुछ स्पेशल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कि क्या हमको इस एल्बम पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं जस मानक इस एल्बम को लेकर कमेंट करें।